स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज सबसे पहले आप सबों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे शेड में भी गणेश पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। और चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ का जो गणेश का प्रतिमा है वो पूरा रेल का पार्ट पुर्जा से ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं उधर तैयारी चल रहा है। क्या बात है सर, और ये देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं पूजा की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। और ये जो देख रहे हैं प्रतिमा श्री गणेश जी का, ये प्रतिमा रेल के पूरा पार्ट्स पुर्जे से बना हुआ है। तो तैयारी तो कर रहे हैं बाकी कर्मचारी, तो हम लोग चलिए यहाँ पर आने से तो काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। फिलहाल तैयारी चल रहा है, कुछ देर बाद पूजा अर्चना किया जाएगा। देखते हैं चलिए आज का वर्क क्या क्या है। और आज बहुत ही ज़्यादा वर्क है, अभी अभी पता चला सूत्रों के माध्यम से। और बाकी मेरे साथी किरण लेबर सब पहुँचे नहीं हैं, नाश्ता वास्ता करने गए होंगे। और अभी रेडी है काम करने के लिए, मैं भी तैयार हूँ। और कागज़ थोड़ा सा जरूरत कराने गया था, इसको रख देता हूँ। दोस्तों काम स्टार्ट हो गया है और एक वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यार जो है गाड़ी स्टार्ट होने के कारण लग रहा है बहुत जल्दी बहरे हो जाएंगे, इतना ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है क्या कहें। और यहाँ लगाने का मिलता है, लेकिन वहाँ लगाने से नीचे से जो आवाज़ आता है वो सुन नहीं पाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काम हो रहा है। और दोस्तों यहाँ जो काम होता है लोगों से संबंधित ही, जो ट्रक होता है ट्रक से संबंधित काम होता है, जैसे चक्का का, मोटर का, ये सब काम होता है। और काम करके मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला तो यहाँ पहुँच चुका हूँ। और देख सकते हैं पंडित जी पूरा तैयारी में हैं, और पंडित जी पहुँच चुके हैं। और हम लोग का जो शेड के सर हैं सीनियर निमित सर, वो नहीं पहुँचे हैं, और पहुँचने से पूजा हम लोग का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए अभी भी खुला मोटर से, तो क्या कहते हैं हम लोग, वो बहुत सारा 10th क्लास से फिजिक्स में पढ़ते आते हैं आर्मेचर, तो आर्मेचर खुल चुका है। देखिए किस तरह से खुलते हैं। थोड़ा सा टाइट करो, हल्का सा टाइट। अरे थोड़ा डांस कर रही है। Thank you.
डबल नहीं, डबल लेवर नहीं, नहीं हाँ डबल नहीं लेना है। ओके सीसीटीवी लग गया है, डबल नहीं लिया ना। और सब स्टाफ प्रसाद खाने के लिए सब काम छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, और ये विश्वकर्मा जी और दोस्तों छुट्टी हो गया और मैं पैदल ही जा रहा हूँ रूम, तो रास्ते में थोड़ा सा क्रॉसिंग पड़ता है और तो फाटक होके मैं नहीं है, इधर से हम लोग को पार होना पड़ता है, पास में क्वार्टर है तो गाड़ी आने से थोड़ा सा रुकना पड़ता है, तो माल गाड़ी स्लोली स्लोली अपना जो जा रही है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है। दोस्तों गाड़ी पार हो गई, तो चलिए अब चलते हैं रूम की ओर। देखिए इस तरह से यहाँ से पार हो जाते हैं और पास में क्वार्टर है, बस यहाँ सीढ़ी बना हुआ है उतरने के लिए। और आज रास्ते में थोड़ा सा बाधा है, यहाँ पर पंडाल बना हुआ है और गणेश पूजा जगह जगह पर होता है। चलिए दिखाते हैं किस तरह से पंडाल है, यहाँ पर पूजा स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है, देख सकते हैं मूर्ति को ढका गया है। और तो दोस्तों चलिए रूम की ओर चलते हैं, और मुझे तो बड़ी जोर भूख लग रही है, और देख सकते हैं भादर महीना का धूप। और दोस्तों ड्यूटी से आने के बाद लंच हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और शाम को आज जाएंगे दृष्टि के साथ। कहाँ जाएंगे? मेला, गणेश पूजा का मेला देखने, पूजा देखने, शाम को अर्चना देखने, पूजा अर्चना आपको भी ले जाएंगे, दर भी दिखा दीजिए, आपको भी ले जाएंगे। ओके ठीक है। ओके और आपको भी ले जाएंगे दृष्टि। ओके तो ओके दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।